हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बैन। इजी बे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेसन है वह उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एकदम सीरियस हैं। एकदम सीरियस है कहने का मतलब है कि जिनको हर हाल में एक जॉब चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में जिनको जॉब चाहिए, और वो उन्होंने एसएससी एमटीएस की फॉर्म भर रखी है और एसएससी एमटीएस की तैयारी भी कर रही है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के फॉर्म भर रखे हैं और उनके तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 100% तैयारी हुई नहीं है। अभी तक हम एक आप लोग से क्वेश्चन भी पूछे थे वोट में हमारे चैनल पे, तो आप लोग बोले कि मैं जो है कि 70% स्टूडेंट ये बोले हैं कि सर मेरा बिलो 50% तैयारी हुई है, यानी कि 50% से कम, यानी कि आधी से कम तैयारी हमें हुई है, 70% स्टूडेंट्स इन्होंने बोले। तो बोले कोई बात नहीं, अभी आपकी 50% से भी कम तैयारी हुई है, लेकिन आने वाला समय में अभी से लेकर के, याद रखिएगा, अभी आज की डेट से लेकर के एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है तब तक इजी वे चैनल का आपके साथ है। आपके कैसे साथ हैं, आपको आज की जो, पहले हम ये बता दें कि आज की वीडियो हम लोग करने वाले क्या डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी से परीक्षा तक यानी कि एग्ज़ाम तक तैयारी कैसे करें, हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, और हमको किसी भी कंडीशन में, हर एक स्टूडेंट ये सोचे कि हमको किसी भी कंडीशन में अपनी एक सीट फिक्स करना है, कुछ भी हो जाए, कट ऑफ कितना भी हाई जाए, क्वेश्चन कैसा भी आए, मुझे तैयारी इस तरह से करना है कि अपना एक सीट पक्का करना है किसी भी कंडीशन में। दुनिया इधर के उधर हो जाए, अगर हम जीवित हैं, अगर हम जिंदा रहेंगे तो एसएससी एमटीएस में ये अपना सीट बुक करेंगे, अपना सीट पक्का करेंगे एसएससी एमटीएस में। चाहे कोरोना हो, महामारी हो, या कुछ भी हो, या तूफान आए, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम किसी भी कंडीशन में एग्जाम तक, अगर हम जिंदा रह गए, एग्जाम तक हम स्वस्थ रह गए, तो हमको एग्जाम दे करके निकलेंगे, तो अपना सीट पक्का करके ही निकलेंगे, ये कसम खाइए आप लोग। अगर आप इतना सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप ये करना सीट पर अपना जॉब लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और वीडियो को आगे तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, और क्या क्या हम बताएंगे कि कैसे हम आपको इजी वे चैनल की तरफ से आपको क्या आपकी सीट बुक करने में, आपका एक पोस्ट लेने में, एसएससी एमटीएस में एक पोस्ट लेने में, या डीआरडीओ एमटीएस में क्या मेरी तरफ से क्या योगदान रह सकती है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ। कैसे परीक्षा की रणनीति रखें, किस तरह से पढ़ें, ताकि किसी भी कंडीशन में मैं कितना भी कट ऑफ आ जाए, 90 जाए, 95 जाए, 95, 80, अभी तक हम लोग आप क्या बताएं कट ऑफ कितना गया, 85 गया है, बहुत से बहुत ज़्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, 90 जाएगा। कितना भी कट ऑफ जाए हम अपना सीट बुक करेंगे ही करेंगे, ये ठान लीजिए आप। चलिए, तो अगर ये ठान लिए हैं तो आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति आपको हम बताते हैं। देखिए डियर, क्या क्या हम करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए, ईजीबी चैनल की तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा और कहाँ कहाँ हम आपके साथ हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं। तो एग्जाम में चार सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सभी लोग आप जानते होंगे। ठीक है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, सभी, ये भी सभी लोग जानते होंगे। अब देखिए ईजीबी चैनल के यानी कि हमारे चैनल की तरफ से आपको, हम खुद क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, मैथ के जितने भी टॉपिक है, मैथ का सिलेबस आपको हम बता दिए हैं इसी चैनल पे, आप सर्च करिएगा, वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का सिलेबस आपको हम बता दिए हैं टॉपिक वाइज, कैसे बताएं, टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज सिलेबस बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। रीजनिंग का सिलेबस बता दिए हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बता दिए हैं, और इंग्लिश का सिलेबस बता दिए हैं। चारों सेक्शन को में आपको ये पता है कि एग्जाम में चार सेक्शन आएंगे, जो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, चारों का सिलेबस आपको पता है। अब ये है कि पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना क्या है, सिलेबस पढ़ना क्या ये पता है, अब पढ़ेंगे कैसे। देखिए मैथ में जितना भी चैप्टर आ रहा है, हर एक चैप्टर को देखिए, आपको हम जो बताने वाले हैं यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां आप सर्च करिएगा एसएससी एमटीएस मैथ, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। आपको कोई नहीं सिखा रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बने, आपको कोई नहीं सिखा रहा है कि इसके पहले आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट यानी कि बेसिक से थ्योरी के साथ आपको कोई नहीं सिखा रहा है। जिन बच्चे को थ्योरी पता है, जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता है, वो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जो स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता है,
जिनको नहीं पता है कि रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसको नहीं पता है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, जिसको नहीं पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, उस हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो कौन, हम मान रहे हैं कि समय कम है लेकिन हम आपके लिए मेहनत बहुत करेंगे। दिन में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास लेंगे मैथ का, लेकिन हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे एकदम बेसिक से। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा है क्या, ट्रिगोनोमेट्री है क्या, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसा कैसा कॉन्सेप्ट पूछता है, क्या क्या फार्मूला होता है, फार्मूला के डेरिवेशन फार्मूला बना कहाँ से, इसका कैसे इसको हम मेमोरी कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कहने का मतलब है मैथ में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और इसको क्या कहते हैं थ्योरी, ठीक है। मैथ में सबसे पहले थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे सीख लेंगे उसके बाद जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं ईजीवे चैनल पर, आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए आप डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से कॉन्सेप्ट पहले थ्योरी आपको हम बताए हैं, शॉर्ट में ही बताएं लेकिन किस तरह से पहले आपको थ्योरी बताएं फिर क्वेश्चन करवाएं और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएं, समझ रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद पहले हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स से क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में हम जल्दी सॉल्व करवाएं, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट सीख लिए, थ्योरी सीख लिए, क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद यानी कि 2014, 2017, 2019 से लेकर के जितने भी पेपर हैं लगभग 100 क्वेश्चन पेपर 100 शिफ्ट के यानी कि अगर जो एक शिफ्ट में डियर एक शिफ्ट में कितना 25 क्वेश्चन मैथ का आता है तो 100 से इसको अगर जो मल्टीप्लाई कर दें तो 2500 क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर जो है प्रीवियस ईयर के 2500 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे मैथ में। पहले आपको मैथ सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट थ्योरी फिर क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके अलावा आपको 2500 क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर का, समझ रहे हैं। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, लिख बोल रहे हैं ना 25 में से 25 लाइएगा मैथ में, गारंटी हम देते हैं। अगर जिस तरह से हम आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो 25 में से 25 आपका मैथ में आएगा। 2500 क्वेश्चन करेंगे, सोचिए डियर, प्रीवियस ईयर का 2500 क्वेश्चन आए, 2500 क्वेश्चन 100 सेट में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैथ का रणनीति। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग का डियर आपको सिलेबस पता है, ठीक है। अब हम लोग रीजनिंग में क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में रीजनिंग में कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, थ्योरी कम है, तो इसमें जितना भी है जो भी है सब करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्स भी हम लोग करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ट्रिक्स, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर का 2500 क्वेश्चन करेंगे। इसके भी 100 सेट एक सेट में 25 क्वेश्चन रहता है तो कितना हो गया 250 क्वेश्चन हो गया, 2500। इसके भी प्रीवियस ईयर का करेंगे। उसी तरह से सेम हमारा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर्स को छोड़ करके, करेंट अफेयर्स के अलावा जितने भी स्टेटिक जीके हैं, स्टेटिक जीके चाहे आपका साइंस, स्टेटिक जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सब का सब लूसेंट का समरी, क्योंकि देखिए पूरा लूसेंट आपको नहीं पढ़ना है, समय कम है, लूसेंट का समरी पढ़ना है और समरी का वीडियो हम बनाए हुए हैं चैनल पे, ठीक है, समरी का वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं।